Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So as you can see in the screens, we are starting with the demo video for the UPSC revision series. तो यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज है. मैंने पहले भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था, उसी तरीके से हम इस साल भी पूरा रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का. नया साल है, पैंडेमिक के बाद का ईयर है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल यूज आप सबको पता है होने लगा है, तो हम भी उसकी तरफ बढ़ चुके हैं. तो लेट्स सी कि किस तरीके से हम ये सीरीज देखेंगे. कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए, मतलब कि मैं सब्जेक्ट वाइज बनाऊं कि आपको मैं डेली आपको हर सब्जेक्ट का मिक्स करके दूं. तो मैंने सोचा कि मैं एक डेमो लेक्चर बना लेता हूं. सब्जेक्ट वाइज मैं प्रेफर करता हूं वैसे, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी आपको पता रहता है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप थोड़ा आपका मन बना रहता है उस तरीके से, है ना. तो सब्जेक्ट वाइज ही काफी लोगों ने कल भी ओपिनियन दिया था. जैसा कि मैंने बताया कि इस बार की रिवीजन सीरीज में 4 वीडियोस इन अ वीक एंड एक दिन आपका रहेगा जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे. तो बिल्कुल थोड़ा इजी चलेंगे, लास्ट ईयर जैसे नहीं चलेंगे कि भागम भागापन लगी रहे अपनी, उसी तरीके से 4 लेक्चर्स हम देखेंगे एक वीक में और एक दिन आपका क्वेश्चंस का रहेगा जिसमें हम 25-30 सवाल जितने अभी हम लगा सकते हैं एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, हम वो सवाल लगाने की कोशिश करेंगे. डेमो लेक्चर है, यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का लेक्चर है. अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको सीरीज लगता है कि ज्वाइन करनी चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन सीरीज को, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा. ये 3 से 4 महीने का जो पीरियड रहेगा हमारा साथ का, काफी बेहतरीन होने वाला है. काफी कुछ इस जर्नी में हम चीजें सीखेंगे. ओके, अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी हमारा फेब और मार्च तक टारगेट ये रहेगा कि हम पूरा जो लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है, मतलब कि जो फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 2020 का करंट अफेयर्स है, वो इन 3 महीनों में रिवाइज करें. फिर जो लास्ट के 2 महीने 1 महीने बचेंगे उसमें हम पूरा इस साल का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, जो इस साल के 4 या 5 महीने रहेंगे. सो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. आज डेमो लेक्चर 1 है यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का. मूव करते हैं आगे पहले टॉपिक के साथ, और अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस साल, वो पहला टॉपिक रहेगा जियोग्राफी एंड द एनवायरनमेंट का. तो आज मैं जियोग्राफी और एनवायरनमेंट की ही चीजें लेकर के शुरू कर रहा हूं, है ना. जियोग्राफी एनवायरनमेंट की चीजें ही लेकर के शुरू कर रहा हूं. 2020 का करंट अफेयर्स थोड़ा लेक्चर 1 है ये जस्ट उसका, है ना. तो सब पहला जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोनभद्र गोल्ड माइंस का. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सोनभद्र गोल्ड माइंस जो था, इसके लिए बहुत सारी चीजें न्यूज में आई. न्यूज में ये आया कि भाई वहां पर 3,000 टन सोना है, 4,000 टन सोना है. अलग अलग जो शास्त्री थे, खगोल शास्त्री, वो अपना अपना हिसाब बता रहे थे. सो इन द सोनभद्र गोल्ड माइंस पीपल वर सेइंग देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड, बट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देयर इज अ बॉडी इन इंडिया जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप यहां पे देख सकते हैं, उसने वहां पे जाकर के सर्वे किया, इसलिए सोनभद्र गोल्ड माइंस वर इन न्यूज. एंड उसके साथ साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो इन द न्यूज, ठीक है ना. तो सोनभद्र गोल्ड माइंस में जब सर्वे किया तो उन्होंने पता किया कि एस्टिमेटेड जो वहां पे रिजर्व है वो 160 किलोग्राम का है, ना कि 3000 टन का जितना कि लोगों ने कहा था, ठीक है ना. अब ये जो गोल्ड रिसोर्स है दैट इज लोकेटेड नियर अ विलेज कॉल्ड महुली. तो ये जो गोल्ड रिजर्व थे ये एक गांव के समीप पाए गए जिसका नाम था महुली. तो इस स्लाइड में आपको जो 3 फैक्ट याद रखने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे वो है सोनभद्र गोल्ड माइंस, वो कहाँ पे है, जहां पे उत्तर प्रदेश में है सोनभद्र गोल्ड माइंस, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे एक अफवाह उड़ी थी बीच में कि वहां 3,000 टन सोना है, 3,000 टन ऑफ गोल्ड इज देयर. तो वहां पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब जाके वहां पे सर्वे किया, देन दे फाउंड दैट ओनली 160 किलोग्राम रिजर्व ऑफ गोल्ड इज देयर, एंड ये जो सोने का रिजर्व था दैट वाज लोकेटेड इन अ विलेज नियर कॉल्ड महुली. तो इस गांव को हम महुली बोलते हैं, विच इज 70 किलोमीटर फ्रॉम द सोनभद्र. तो ये आपको पहली जो न्यूज मैंने बताई इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो बॉडी कवर हो रही वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है दोस्त? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? यस, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. एक और चीज बता देता हूं कि जितने भी लेक्चर मैं पीपीटी फॉर्म में बनाऊंगा उन सारे की पीपीटी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा. जैसे कि आगे जब हम वीडियो मूव करेंगे तो कुछ टॉपिक्स के लिए मुझे बोर्ड या पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, कुछ टॉपिक्स के हम पूरी नोट्स बना, कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाऊं, है ना. वैसे मैं अमूमन नोट्स बना करके देना प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि मैं बोर्ड में और इन सब चीजों में ज्यादा पढ़ाता हूं, लेकिन
अगर हमने पीपीटी में नोट्स बनाई तो वो सारी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और अगर पीपीटी में नोट्स नहीं बनाई तो ऑब्वियस सी बात है मैं बोल्ड फॉर्मेट फॉलो करूंगा और उसमें आप इजीली नोट्स जैसे क्लासरूम में आदमी लिखता है वैसे आप लिख सकते हैं। इस लेक्चर की नोट्स भी आपको मिल जाएगी, नीचे आपको लिंक दे दूंगा मैं, अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से इस लेक्चर की नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये वीडियो अपलोड होगा ऑलरेडी, आपके सब्सक्रिप्शन उसमें दिखने लगेगा एंड वहां पर आप नोट्स और ये दोनों चीज ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है अमूमन वो उसका फाउंडेशन ईयर, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फाउंडेशन ईयर क्या था, यानी कि इसका फाउंडेशन ईयर है 1851। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन ईयर है 1851। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ साइंसेस और इसके सर्वे करने का काम करती है। मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लगती है इसकी, तो विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, जो कि इस तरीके के सर्वे इंस्टीट्यूशन में बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज अनदर फैक्ट जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, हमने दो चीजें देख ली, सोनभद्र गोल्ड माइन, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, मैंने बता दिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया। अगला जो टॉपिक है वो है वेनिला आइलैंड्स। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की सीरीज है, ये सारी चीजें आपको मैप भी मैं दिखाऊंगा जो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो भी चीजें हैं वो भी हम बात करेंगे, नेशनल पार्क हो गए, एनिमल्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गई, या कौन सा किसके इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो भी न्यूज में रहा होगा। वेनिला आइलैंड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वेनिला आइलैंड्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोला जाता है जिसके अंतर्गत सेशल्स आता है, मेडागास्कर आता है, रियूनियन आइलैंड आता है, मॉरिशियस आता है, कोमोरोस आता है, मायोटी आता है, ये इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं मैप आपको दिख रहा होगा, ये सेशल्स है, ये मालदीव्स है, देन ये आपका यहाँ पे अजम्पशन आइलैंड है, अगालेगा आइलैंड है, मॉरिशियस है, मेडागास्कर है, है ना, डियागो गार्सिया है, यहां पे ये रीजन जो होता है ये वेनिला आइलैंड्स कहलाते हैं। दीज आर द वेनिला आइलैंड्स। सेशल्स याद रखेगा, मेडागास्कर याद रखेगा, रियूनियन याद रखेगा, मॉरिशियस याद रखेगा, कोमोरोस याद रखेगा, और आपका मायोटी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट वंस हैं जो कि आपके वेनिला आइलैंड्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, इंडियन ओशन में है। अब याद रखिएगा ये क्यों न्यूज में थे, तो एक्चुअली मैं न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन वेनिला चालू किया था, देयर वाज एन ऑपरेशन वेनिला जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंड द नेवी सेंट INS एरावत, यहां पे हमने हमारी जो इंडियन नेवल सिस्टम का एरावत है, INS एरावत है, उसको हमने भेजा था। एरावत इज एम्फीबियस शिप, याद रखिएगा एम्फीबियस शिप है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू दीज रीजंस। तो जो ये वेनिला आइलैंड्स है वहां पर इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमने INS एरावत भेजा था, एंड INS एरावत जो गया था वो इन वेनिला आइलैंड्स को मदद पहुंचाने के लिए गया था, असिस्टेंस पहुंचाने के लिए गया था, एंड दिस वॉज अंडर द ऑपरेशन वेनिला, ठीक है ना। अब देखो इंडिया ने, अगर आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, आगे हम और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आपने देखा हो तो इंडिया ने काफी ज्यादा चीजें इस तरीके की मदद वाली भेजी हैं, जो इंडियन ओशियन रीजन में कंट्रीज हैं या आइलैंड ग्रुप्स हैं वहां पे भेजी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में ये किस प्रोजेक्ट के अंदर या किस प्रोग्राम के अंदर कर रहा है इंडिया, तो देयर इज अ प्रोग्राम, देयर इज अ स्कीम प्रॉपर इंडिया की है जिसको हम बोलते हैं सागर इनिशिएटिव। सागर क्या होता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब सागर में जब हम पढ़ेंगे, आगे हम डिटेल में जब और लेक्चर सुनेंगे तो मिशन सागर पढ़ेंगे, मिशन सागर के तीन पार्ट आ चुके हैं, है ना, आप सबको पता है मिशन सागर 1 गया था, फिर मिशन सागर 2 गया था, फिर मिशन सागर 3 गया था, इसके हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बस वेनिला आइलैंड्स और वेनिला ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ये किसके अंतर्गत हुआ, ये सब सागर इनिशिएटिव या सागर मिशन के अंतर्गत हुआ, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये आपको मैप दिख रहा होगा, देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिशल्स दिख रहा है, मालदीव्स दिख रहा है, देन यहाँ पे डियागो गार्सिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डियागो गार्सिया किसकी मतलब किसकी क्या है कॉलोनी थी, आप बता सकते हैं अगर, तो किसके किसका राज्य है इसका डियागो गार्सिया के ऊपर, तो आप बता दीजिए, काफी अच्छा सवाल है ये।
और यहाँ पे थोड़ा लोकेशन देख लेना, मैप में लोकेशन देखो तो अजम्पशन आइलैंड ऊपर है, फिर आगालेगा आइलैंड है, फिर यहाँ पे मॉरिशियस है ना। तो क्योंकि कई बार क्या होता है नॉर्थ टू साउथ भी पूछ ले, जैसे यहाँ पे आप देखो सिशल्स है, फिर अजम्पशन है, फिर आगालेगा है, फिर मेडागास्कर है, ठीक है ना। तो ऐसा आपसे पूछ ना ले, इसलिए मैप्स की लोकेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगली जो चीज न्यूज में थी वो थी ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ क्यों न्यूज में थी? सबसे ज्यादा इसका रीजन था क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप सबको पता होना चाहिए जो रीफ होती है अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़े तो उसमें हमको एक टर्म हमने पढ़ा होगा है ना, जिसमें उसका कलर हट जाता है। जो बैरियर रीफ, जो ये रीफ होती है, कोरल रीफ्स होती हैं, इनका कलर चला जाता है, ठीक है ना, है ना। ब्लीचिंग आपको पता होगा, ब्लीचिंग ऑफ द रीफ्स, ये सब आपने सुना होगा। इसके में जू जैंथले इसके अंदर पाए जाते हैं, जू जैंथले जो रहते हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। जू जैंथले जब हायर टेम्परेचर आता है तो यहां से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जू जैंथले चले जाते हैं और इनका कलर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीच हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ में वही सारी चीज देखने को मिली। इसकी जो रीफ्स है यानी कि जो यहाँ पे रीफ पाई जाती काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जब कोरल्स की ब्लीचिंग होती है तो वो बताता है कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, अपने आप में एक बायोमार्कर की तरह काम करता है वो कोरल। क्यों? क्योंकि जब उसकी ब्लीचिंग होगी तो वो कलर चेंज करेगा, अगर कलर रिमूव हो रहा है इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। दैट इज एक्टिंग एज अ मार्कर, दैट इज एक्टिंग एज अ बायोमार्कर। अब थोड़ा ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर लेते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था और इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो याद रखिएगा ये कहाँ होता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। इस साल के आई थिंक CDS का पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो CDS में पूछ चुका है कि कहाँ पर है, ईस्ट कोस्ट में है, वेस्ट कोस्ट में है, कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया वहाँ पाया जाता है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था 1981 में। इट वॉज एडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1981। एंड रिसेंटली मैंने बता दिया आपको क्यों ये न्यूज में था, बिकॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, है ना, कोरल ब्लीचिंग के कारण न्यूज में था। उसकी जो रीफ है उसकी हेल्थ काफी डिटूरिएट हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है बिना मैप देखे ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कोरल रीफ देखो, ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा जो लेंथ इतनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड वाली जो लेंथ है, यहाँ पे कोरल ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ठीक है ना। दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पे सी का नाम इसी रीफ के कारण कोरल सी रख दिया गया, द नेम ऑफ द सी इज कोरल सी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट लेंथ ऑफ द रीफ। इसका पूरा नाम जो है वो कोरल सी रख दिया गया, ठीक है ना। फिर यहां पर देखो तो यहां पे आपको मैराइन पार्क दिखेगा, तो यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ मैराइन पार्क भी है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में है, पता होना चाहिए आपको। दूसरा देखो, ये वाला जो रीजन है क्वींसलैंड के बाद इधर ऊपर, यहां पे गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया दिख रहा होगा, तो जो बीच वाला रीजन है ना, जैसे ये वाला जो रीजन है, आप यहां पे देखिए जो लेजर जहां पे आपको दिख रहा होगा, ये दिस अपर पार्ट इज द गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। और ये वाला देखो ईस्टर्न पार्ट जो है, यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख रहा होगा, दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। आपके लिए सवाल ये है कि इसके कितने पार्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्केल से काटा गया ऑस्ट्रेलिया को, आप बताइए कितने पार्ट हैं। मैंने कितनी बार आपको बताया होगा, डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप बता देंगे तो मुझे काफी खुशी मिलेगी इस चीज से, है ना। तो प्लीज डू टेल मी। याद रखिएगा जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है ना, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपका तस्मानिया है, तस्मान सी भी है, इसके बीच में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब बताइए हमको कि इसके 6 पार्ट है, 7 पार्ट है, कितने पार्ट है, कौन कौन से पार्ट की इंपॉर्टेंट कैपिटल कहां पर है, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। अगला जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वो है हिमालयन आइबेक्स अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने एक स्टडी की थी, उसने स्टडी करके क्या पता किया कि हिमालयन आइबेक्स जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द साइबेरियन आइबेक्स। याद रखिएगा हिमालयन आइबेक्स जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द साइबेरियन आइबेक्स, ये पता किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। पहले क्या होता था कि हिमालयन आइबेक्स को और साइबेरियन आइबेक्स को दोनों को सेम माना जाता था, बट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टडी के बाद ये पता चला कि हिमालयन आइबेक्स की जो थोड़ा से जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या जो उसके कहना चाहिए कि थोड़ा जेनेटिक फैक्ट फीचर्स में दे आर डिफरेंट फ्रॉम द साइबेरियन आइबेक्स, ठीक है। अब ये जो स्टडी हुई ये किसके अंतर्गत हुई, तो ये हुई नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के अंतर्गत। देयर इज अ मिशन गोइंग ऑन जो हिमालय के रिगार्डिंग स्टडी कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन द
हिमालयन स्टडीज, तो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के अंतर्गत ये चल रहा है एंड उसमें ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता किया। अब ये जो साइबेरियन आइबेक्स जो अभी तक पता था, एक्चुअली हिमालयन आइबेक्स को तो कोई जानता नहीं था, लोग साइबेरियन आइबेक्स बोलते थे। तो साइबेरियन आइबेक्स इज बेसिकली अ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट, है ना, ये वाइल्ड गोट की स्पीशीज होती है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो हिमालयन आइबेक्स है, अब वो वाला रीजन देखें अगर, तो वो नॉर्थ इंडिया यानी हिमालयाज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। और जो इधर साइबेरियन आइबेक्स है वो आपका ईस्टर्न कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, है ना, उज्बेकिस्तान, फिर इधर पाया जाता है, और नदन पाकिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, ये सारे रीजन्स में ये फैले हुए हैं। तो ये अलग अलग रीजन्स हैं जिनको आपको याद रखना है। इंडिया वाला तो बहुत इजीली है, हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड आपका पाकिस्तान वाला रीजन। और आपका जो साइबेरियन आइबेक्स है वो आपका मंगोलिया वाले रीजन में, रशिया वाले रीजन में भी पाया जाता है ना, कुछ ऐसे वाले रीजन्स में है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। आयुसीएन स्टेटस क्या है हिमालयन आइबेक्स का, याद रखिएगा, लीस्ट कंसर्न इज द आयुसीएन स्टेटस ऑफ द हिमालयन आइबेक्स। तो हिमालयन आइबेक्स का जो आयुसीएन स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न, तो ये याद रखिएगा, दैट इज अनदर फैक्ट जो कि आप याद रख सकते हैं। अब स्टडी किसने की, स्टडी की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो जो ऑब्वियसली बात है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जानना चाहिए। तो देखो यही है कि जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो अब हमको बीच बीच में बॉडीज मिलेंगी, तो ये क्या करना, मेरे हिसाब से आप एक काम करना कि दो कॉपी रख लेना, अगर आप नोट्स बनाते हो तो दो कॉपी रख लो, अदरवाइज आप अगर आप लेक्चर वाइज पीपीटी पढ़ना चाहें तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मैं पीपीटी फॉर्म में बनाऊँ ताकि आपको नोट्स भी प्रोवाइड होती रहे, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 1916 में बनी थी, इट वॉज फाउंडेड ऑन 1916 में। अब अगर आपको जीएसआई का याद हो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो वो 1851 में बनी थी, है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1851 में बनी थी। तो ये ईयर याद रखना, क्यों, कई बार क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन मतलब कि ऐसा बोल देगा कि अरेंज द फॉलोइंग बॉडीज क्रोनोलॉजिकली, मतलब वो किस किस ईयर में फॉर्म हुए थे, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे देगा या फिर सर्वे ऑफ इंडिया ही दे देगा और आपका दे देगा ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका हमने देख लिया 1916 में बना था, और आपका जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो तो और पहले की है, 1757 में बन गया था, 1757 में ही बन गया था, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है वो। तो इस तरीके से आपको ईयर भी याद रखने चाहिए। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद रखिए, मैंने जूलॉजिकल सर्वे में आपको बताया था कि वो आता है जियोलॉजिकल में, आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। तो जूलॉजिकल जो है आपका ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जूलॉजिकल है इसलिए फौना, जो कंट्री का फौना है उसके रिगार्डिंग ये रिसर्च करता है। फौना फ्लोरा में तो डिफरेंस आपको पता होगा, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, फ्लोरा मतलब जो ये बॉटनी वाला पार्ट है, जहां प्लांट्स वाला पार्ट है वो फौना कहलाता है, वो फ्लोरा कहलाता है सॉरी, और जो आपका एनिमल्स वाला पार्ट है, वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट है, वो आपका फौना कहलाता है। तो दैट इज अनदर डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अब जो फ्लोरा वाला पार्ट है उसके लिए जो बॉडी है उसको हम बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये फौना के लिए जो बॉडी है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है गौर बैक इन द वाल्मीकि रिजर्व आफ्टर इंक्रीज इन द ग्रासलैंड कवर। तो वाल्मीकि रिजर्व, अब देखो इससे कितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पहला सवाल तो ये हो जाएगा कि गौर क्या है। गौर होते हैं बॉस गौरस, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बॉस गौरस बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक इंडियन बाइसन की वेराइटी, इट इज अ इंडियन बाइसन, इसको इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। ये नेटिव होता है टू द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, नेटिव कहां का है ये, साउथ एशिया का एंड साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा। कहां का स्टेट एनिमल है, गोवा का स्टेट एनिमल है। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर द आयुसीएन रेड लिस्ट। आयुसीएन का अगर हम रेड लिस्ट देखें तो उसके अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अपेंडिक्स वन में डाला गया है साइट्स के, जो आपको पता होना, साइट्स और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ऐसा अभी तो बस याद रखो आप कि ये क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कि इस एनिमल का क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये आता है साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है, ठीक है ना। अब न्यूज में क्यों था कि बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, या बिहार का आप नेशनल पार्क बोल दीजिए, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोनों ही है ये, है ना। तो इट इज There has been an increase in the grassland cover. वहां पे जो grassland cover है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है।
उस बढ़ोतरी के कारण आपके यहाँ जो गौर था दैट हैज बीन बैक इन दैट रिजर्व, उस एरिया में दोबारा से गौर आ गए, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसको क्या क्या थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स अगर देंगे तो हंटिंग फॉर कंजम्पशन, हंटिंग इसके लिए थ्रेट है, एंड इसका जो हैबिटेट है वो जाता जा रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रासलैंड कवर के बढ़ने से ये दोबारा आए हैं ना, तो अभी तक इसका लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा था, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है दैट इज दी ओनली फ्रॉम बिहार, वो है बिहार का, ठीक है ना। अब अभी एक स्टडी कंडक्ट कराई गई, स्टडी ऑन द अर्थ्स ऑर्बिट। अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा मैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि ओमान में एक मॉलस्क का फॉसिल मिला, ठीक है, ओमान में एक मॉलस्क का फॉसिल मिला जो कि 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड था, 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल मिला एक मॉलस्क का, जो कि कहां मिला, ओमान में मिला। ओमान में जब ये फॉसिल को स्टडी की गई तो इससे अर्थ के ऑर्बिट के रिगार्डिंग कुछ चीजें पता चली, जैसे कि पहले अगर 70 मिलियन ईयर पहले अगर देखा जाए तो अर्थ वॉज स्पिनिंग 372 टाइम्स अ ईयर एज कंपेयर टू द करेंट 365 वन बाय फोर टाइम्स। आज अगर देखो तो 365 वन बाय फोर टाइम्स है ना, 6 घंटे और लगते हैं, तो 365 दिन और 6 घंटे, इतना रिवॉल्व रोटेट करता है अर्थ। लेकिन 70 मिलियन ईयर को अगर हम देखते तो ये जो मतलब रोटेशन था वो 372 टाइम्स हो रहा था, 372 टाइम्स हो रहा था, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, 372 टाइम्स हो रहा था पहले, अब 365 वन बाय फोर टाइम्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय द टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा है, एज द टाइम इज पासिंग द अर्थ स्पिनिंग हैज स्लोड, अर्थ की जो स्पिनिंग है दैट हैज स्लोड ओवर टाइम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इसकी स्पिनिंग स्लो हो गई है। होता क्या है एक्चुअली में कि जो ओशियन टाइड्स आते हैं, अब आपको पता होना चाहिए ओशियन टाइड, जो टाइड हम देखते हैं हाई टाइड लो टाइड है ना, उसका एक रीजन होता है मून की ग्रेविटी, दैट इज कॉज्ड बाय द मून्स ग्रेविटी। तो एक जो मून्स की ग्रेविटी कारण जो टाइड्स हैं, इससे जो अर्थ की रोटेशन है वो धीरे धीरे स्लो होती है, ठीक है ना, इससे धीरे धीरे अर्थ की रोटेशन स्लो हो रही है, एंड जो अर्थ की रोटेशन स्लो हो रही है उस कारण से दिन है दे आर गेटिंग लॉन्गर, वी आर गेटिंग लॉन्गर डेज बिकॉज ऑफ दैट, है ना। और जैसे जैसे अर्थ की स्पिन स्लो होगी मून विल मूव फार्दर अवे फ्रॉम दी अर्थ। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन देखा गया इन द स्टडी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, जब अर्थ की स्टडी की गई ऑर्बिट की, तो ये भी पता लगाया गया कि जो धीरे धीरे अर्थ का स्पिन जो स्लो हुआ है उस कारण से जो मून है दैट इज मूविंग फार्दर अवे फ्रॉम दैट, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है वो है तीस्ता रिवर के रिगार्डिंग। अब तीस्ता रिवर क्यों न्यूज में था, बेसिकली इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पे एक ब्रिज बना हुआ था बहुत पहले का जो कि टूट गया। अब जब वो ब्रिज टूटा तो यहाँ पे एक बॉडी है इंडिया में जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम की बॉडी है जिसने कि वहां पे एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया, इट क्रिएटेड अ ब्रिज देयर, एंड वो जो ब्रिज है वो कनेक्ट करेगा सिक्किम वेस्ट बंगाल थ्रू बांग्लादेश, ठीक है ना, जो वो कनेक्ट करेगा सिक्किम टू द रेस्ट ऑफ द बांग्लादेश वाले रीजन को, ठीक है ना, इसको कनेक्ट करने के लिए है। तीस्ता रिवर जो है वो 315 किलोमीटर लंबी रिवर है, ईस्टर्न हिमालयास में उसका राइज होता है, एंड दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम वेस्ट बंगाल एंड देन थ्रू द बांग्लादेश, है ना, सिक्किम वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है थ्रू द बांग्लादेश एंड देन इट इंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो तीस्ता रिवर जो है उसका फ्लो याद रखेगा सिक्किम वेस्ट बंगाल बांग्लादेश एंड देन इंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल रीजन। तीस्ता रिवर आपका एक बॉर्डर की तरह काम करती है बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तीस्ता रिवर जो है वो बॉर्डर की तरह काम करती है बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। अब जब ये इसका ब्रिज टूटा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया। तो एक तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक चीज पता रहनी चाहिए कि ये कब बना था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो 1960 में बना था, याद रखिएगा, इट वॉज फॉर्मड इन 1960 में बना था, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको बता दूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक कंपनी जिसको हम बोलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, RCC बोलते हैं, ठीक है ना, उसने प्रोजेक्ट स्वास्तिक, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ दैट वाज अंडर द प्रोजेक्ट स्वास्तिक, प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। BRO के बारे में बताया मैंने कि 1960 में बनी थी, BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है एंड ये डेवलप करती है रोड नेटवर्क्स इन द इंडियन बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबर कंट्रीज। तो इंडिया के बॉर्डर एरियाज में तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती ही है, साथ ही जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे भी ये बॉर्डर का काम करती है। तो मतलब कि इंडिया में अगर आप देखो तो 19 स्टेट्स हैं एंड 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर ये बॉर्डर का काम करती है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स,
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ पर करती है, ठीक है, यूटी में। और अगर नेबरिंग कंट्रीज में देखो तो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका में भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो अगर आपसे कहीं पूछे कि क्या सिर्फ इंडिया में करती है, तो ऐसा नहीं है, ये इंडिया के अलावा इन कंट्रीज में, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द बीआरओ एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं टॉपिक न्यूज में था सावन, SAWEN, सावन, सावन याद रखिएगा। सावन क्या है? इट इज साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क इसको बोलते हैं। ये एक रीजनल नेटवर्क है, इट्स अ रीजनल नेटवर्क। रीजनल क्यों है? क्योंकि साउथ एशिया रीजन में काम करता है। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। आपके सवाल होने चाहिए दो तीन, बेसिकली पहला सवाल कि कब बना था, ये बना था 2011 में। सावन वॉज फॉर्म्ड इन 2011, पहली चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपका सवाल होना चाहिए था कि ये किस किस कंट्रीज से मिलकर के बना है। तो एक्चुअली देयर आर 8 कंट्रीज अंडर दिस। अफगानिस्तान हो गया पहला, बांग्लादेश इज द सेकेंड वन, भूटान इज द थर्ड वन, इंडिया इज द फोर्थ वन, मालदीव इज द फिफ्थ वन, नेपाल इज द सिक्स्थ वन, पाकिस्तान इज द सेवेंथ वन एंड श्रीलंका इज द एट्थ वन। ये 8 कंट्रीज हैं जो कि इसके अंतर्गत मिलकर बनाती हैं इसको। इसका जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज इन काठमांडू नेपाल। याद रखिएगा किसका जो सेक्रेटेरिएट है कहां पर है, काठमांडू नेपाल में है। एंड इसका वर्क क्या है? इट एम्स एट वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग रीजनल बॉडी फॉर कॉम्बैटिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम। याद रखिएगा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है, विचार मतलब कि इलीगल ट्रेड से लड़ने के लिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ने के लिए इस रीजन में, बेसिकली क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो साउथ एशियन रीजन में वाइल्ड लाइफ ट्रेड से, इलीगल ट्रेड से या वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रोकने के लिए एक रीजनल नेटवर्क बनाया गया है इन 8 कंट्रीज से मिलकर के, जिसका सेक्रेटेरिएट आपका काठमांडू नेपाल में है, वो कहलाता है सावन, यानी कि साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क याद रखेगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है रेड पांडा, दैट इज रेड पांडा। तो रेड पांडा के अगर आपको इसका साइंटिफिक नेम बताओ तो इसका नाम एलरस फल्जेंस है। एलरस फल्जेंस इज द साइंटिफिक नेम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एलरस फल्जेंस। इट्स अ मैमल विच इज नेटिव टू द ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। इसके दो रीजन है जहां पर यह नेटिव है, एक तो ईस्टर्न हिमालयाज है और दूसरा साउथ वेस्टर्न चाइना है। पहला कौन सा रीजन है? ईस्टर्न हिमालयाज, है ना। ईस्टर्न हिमालयाज मतलब आपका ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है, और आपका साउथ वेस्टर्न चाइना। साउथ वेस्टर्न चाइना मतलब कि जस्ट जैसे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है चाइना का, अगर आप देखो मतलब उइघुर जिनजियांग प्रोविंस के नीचे वाला जो पार्ट है, उधर आपका, इधर आपका क्या मिलेगा? साउथ वेस्टर्न चाइना मिलेगा। इस पार्ट में मतलब मिलता जुलता पार्ट है जहां पर रेड पांडा पाया जाता है, एलरस फल्जेंस बोलते हैं। इंडिया में अगर देखो तो सिक्किम हो गया, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश हो गया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट बंगाल का, एंड पार्ट्स ऑफ मेघालय हो गया जहां पर कि रेड पांडा आपको मिल जाएगा। ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का। अगर पीछे आपको याद हो तो मैंने गोवा का भी स्टेट एनिमल बताया था, तो डू टेल मी विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा। चलो फिर से पूछ लेते हैं आपसे। और ये जो है स्टेट एनिमल है सिक्किम का, रेड पांडा इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। IUCN रेड लिस्ट में अगर हम स्टेटस देखें तो इसका इंडेंजर्ड स्टेटस आता है। याद रखिएगा IUCN रेड लिस्ट में जो स्टेटस है रेड पांडा का, दैट इज इंडेंजर्ड स्टेटस। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है ना। इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ही रखा गया है। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। थ्रेट्स अगर देखें तो हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग फॉर मीट एंड ट्रेड। ऑब्वियस बात है रेड पांडा का बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस तो आप कॉमन बना के चले, कॉमन आपका हैबिटेट लॉस सबका होगा। कल को अगर आपको फ्यूचर में लिखने के लिए आता है, मेंस में लिखने के लिए आता है, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन ये भी लिख सकते हैं, हैबिटेट लॉस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, हंटिंग फॉर मीट एंड ट्रेड हो गया, मीट एंड ट्रेड के लिए इसको मारा जाता है। देन नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी एक रीजन है, जो कि इस रीजन में काफी ज्यादा बाढ़ और ये सब चीजें होती रहती हैं, इसलिए ये भी एक रीजन, ठीक है। अब हमने देखा कि रेड पांडा है, तो रेड पांडा के साथ एक बॉडी न्यूज में थी जिसको हम ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली न्यूज ये थी कि जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है उसमें रेड पांडा का जो ट्रैफिकिंग है वो कम हो गया है। दैट वॉज द न्यूज एक्चुअली। अब न्यूज भी आपको बताता हूं कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर में जो इलीगल ट्रेड हो रहा था रेड पांडा का, दैट हैज डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हुआ था एक्चुअली, तो इस कारण से ये न्यूज में आया था। अब ट्रैफिक बेसिकली जिसने कि ये न्यूज बताई वो ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है,
ठीक है ना। न्यूज मैंने आपको बता दी कि उसका जो ट्रेड था वो इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास कम हो गया है। न्यूज किसने बताई? ट्रैफिक ने बताई। ट्रैफिक एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ट्रैफिक क्या है? एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है जो कि बना था 1976 में बना था और जॉइंटली बना था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF प्लस IUCN के द्वारा मिलकर के, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF और IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों ने मिलकर के बनाया था आपके ट्रैफिक को 1976 में यानी कि 1976 में। अब ये ट्रैफिक है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली काम करती है और वाइल्ड एनिमल्स के बेसिकली ट्रेड को, जो ट्रेड वाला पार्ट है वाइल्ड एनिमल्स के, उसको रोकने का काम करती है। एंड इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है वो सबके ही फंक्शंस है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो काम भी करता है। आगे देखें तो नियर एक्सटिंक्ट हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर सी रिवाइवल इन द कान्हा रीजन। तो नियर एक्सटिंक्ट मतलब कि जो हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर थे दे वर नियरली एक्सटिंक्ट इन दैट रीजन, बट कान्हा में इनका रिवाइवल देखने को मिला। कान्हा इज द नेशनल पार्क, एक्चुअली कान्हा नेशनल पार्क है जो कि आपका मध्य प्रदेश में आता है, जो मंडला और बालाघाट वाला रीजन है वहां ये पाया जाता है ना। तो यहां पर कान्हा में आपकी जो स्वैम्प डियर है वो काफी ज्यादा मात्रा में, लगभग 800 की मात्रा में है, ठीक है ना। पिछले 50 सालों में 800 की मात्रा में हो गए कान्हा नेशनल पार्क की। मैंने जैसे मैंने बताया कि ये मैकल रेंज जो है, मैकल रेंज सतपुड़ा हिल्स की, वहां पर ये पाया जाता है कान्हा नेशनल पार्क, मंडला और बालाघाट वाले डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के वहां पर है। एंड आपका जो कान्हा नेशनल पार्क है दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कट, ठीक है ना। तो ऑफिशियली एक मैस्कट इंट्रोड्यूस करने वाला ये पहला नेशनल पार्क है आपका, जहां पे भूर सिंह यानी कि भूर सिंह द बारह सिंघा को मैस्कट बनाया गया। तो भूर सिंह द बारह सिंघा इज द मैस्कट फॉर दैट रीजन। कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे बारह सिंघा, उसका तो साइंटिफिक नेम भी लिखा है र्यूसर्वस डुवाउसेली, याद रखेगा र्यूसर्वस डुवाउसेली, इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल, स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। एंड वहां पे काफी रिवाइवल देखने के लिए मिला है कान्हा में इसका, 800 से ज्यादा संख्या में आ गए हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। आगे देखें तो ब्लैक कार्बन लेवल स्पाइक एट हिमालयन ग्लेशियर। हिमालयन ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। द लेवल ऑफ ब्लैक कार्बन हैज इंक्रीज्ड इन द हिमालयन ग्लेशियर। तो ये एक्चुअली स्टडी चल रही थी, बता दूं आपको थोड़ा बैकग्राउंड, एक स्टडी हो रही थी बाय द वाडिया ग्रुप। वाडिया इंस्टीट्यूट है जो कि हिमालयन जियोलॉजी से रिलेटेड है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी बोलते हैं, वो स्टडी कर रहा था। उसने बोला कि जो ब्लैक कार्बन का कंसंट्रेशन है इस मतलब कि जो गंगोत्री ग्लेशियर वाला रीजन है, तो गंगोत्री ग्लेशियर वाले रीजन में ब्लैक कार्बन का जो कंसंट्रेशन है दैट वॉज नियरली 400 times, 400 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस रीजन में आपको पता होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश और ये वाला रीजन है एक्चुअली यहाँ पे फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा होता है, और आपका हरियाणा पंजाब इसके इधर ऊपर इधर स्टबल बर्निंग बहुत होती है। तो एक्चुअली स्टबल बर्निंग और फॉरेस्ट फायर के कारण आपका जो यहाँ पे ब्लैक कार्बन का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। अब ब्लैक कार्बन होता क्यों है, वाई इज दैट, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लैक कार्बन? तो ब्लैक कार्बन बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास। याद रखिएगा, ब्लैक कार्बन इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास, एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिमेन्स इन द एटमोसफेयर ओनली फॉर डेज टू वीक्स, है ना। तो अगर हम देखें तो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, CO2 काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है, लेकिन आपका जो ब्लैक कार्बन है दैट इज एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड एंड इट रिमेन्स इन द एटमोसफेयर ओनली फॉर डेज टू वीक्स, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रिसाइड करता है। एंड ब्लैक कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है सोलर एनर्जी एंड इट वार्म्स द एटमोसफेयर, इसलिए ये एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या कहना चाहिए कि आपका ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉज है ब्लैक कार्बन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो लॉन्ग लिव्ड होता है लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ना, एक लेकिन ये इसकी जो एब्जॉर्व करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, दैट इज वेरी हाई। देखो ब्लैक कार्बन अकेला टाइप नहीं है, एक अकेला कलर नहीं है, इसके और भी कलर हैं, जैसे कि ब्लू कार्बन हो गया। ब्लू कार्बन आपका कोस्टल एक्वेटिक एंड मैरीन कार्बन सिंक हेल्ड बाय द वेजिटेशन मैरीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेडिमेंट्स को कहते हैं। ब्लू कार्बन किसको बोलते हैं? कोस्टल एक्वेटिक एंड मैरीन कार्बन सिंक। अब देखो कार्बन सिंक एंड कार्बन सोर्स दो चीजें होती हैं,
कार्बन सोर्स मतलब कि कार्बन जिससे रिलीज हो रहा हो, यानी कि समझ लो कोई पावर प्लांट हो गया, कोई इस तरीके की चीज जहां बर्निंग हो रही है, ये तो आपका सोर्स हो गया। सिंक मतलब वो रीजन जो एब्जॉर्व कर रहा हो, जो इस कार्बन को खत्म कर रहा हो, है ना। तो ब्लू कार्बन इज एक्चुअली द कोस्टल एक्वेटिक एंड मैरीन कार्बन सिंक, जो कि वेजिटेशन, वहां के मैरीन ऑर्गेनिज्म सेटमेंट यहां पे होता है, ठीक है ना, दैट इज ब्लू कार्बन। देन ग्रीन कार्बन इज एक्चुअली इट इज द कार्बन दैट इज स्टोर्ड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है ना। कार्बन जो कि कहां स्टोर रहती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, दैट इज द ग्रीन कार्बन। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है, आपका फॉरेस्ट आ गया, पास्चर्स आ गया एंड सॉइल आ गई। तो ग्रीन कार्बन इज बेसिकली द टेरेस्ट्रियल वाला इकोसिस्टम, और आपका ब्लू कार्बन इज एक्चुअली द एक्वेटिक वाला इकोसिस्टम। एंड देन तीसरा है आपका ब्राउन कार्बन, यानी कि लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो जो है आपका ब्राउन कार्बन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ब्राउन कार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो दीज आर दी अदर टाइप्स ऑफ कार्बन जिनके बारे में जानना आपको जरूरी था। आई हैड टू टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने जैसे कि बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर में ही स्टडी हुई थी इसकी, है ना, वाडिया इंस्टीट्यूट ने की थी। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तराखंड में है। एंड इसका जो स्नाउट है, गंगोत्री ग्लेशियर का जो स्नाउट है, उसको हम गौमुख बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ द फेस ऑफ अ काउ, देयरफॉर उसको गौमुख कहा जाता है। द स्नाउट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर दैट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर भागीरथी। भागीरथी का सोर्स है आपका गौमुख, यानी गंगोत्री ग्लेशियर में जो गौमुख है दैट इज द सोर्स ऑफ रिवर भागीरथी। एंड रिवर भागीरथी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका मैप देख लो, ऊपर ऊपर वाला जो ये है ना, ये देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैप देख लो, ये आपका गंगोत्री है, यहाँ पे गंगोत्री है, यहाँ पे ऊपर इसके ये वाला जो रेड है ना, ये यमुनोत्री है। देखो ये यमुनोत्री है, दिख रहा है आपको, ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री था, ये केदारनाथ था और ये बद्रीनाथ था। दीज आर एक्चुअली द फोर योर जो मेन चार धाम है ना, तो ये यही है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है एंड दैट इज द बद्रीनाथ वाला रीजन। तो ये भी आपको याद रखना है। सो एक्चुअली आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, दैट इज इट फॉर द डे, है ना। ये डेमो वीडियो है, इट्स अ डेमो वीडियो, और ज़्यादा अच्छा ही होगा फ्यूचर में, और ज़्यादा कंटेंट और अच्छा करेंगे हम। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन द सीरीज, यू कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। कंटेंट वाइज आप निश्चिंत रहिए, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।